अगर मैं पहनूंगी ना तो मेरे पैर में पता ही नहीं चलेगी, है ना? कित कैसी लग रही तुमको बताओ? अच्छे छोटी है, इतनी मीडियम वाली ले रहे ना, ये है तो मीडियम वाली, ये अच्छी लग रही है, बस यही है। और कौन सी थी, एक और थी ना शायद? नहीं बस दो ही है ना, दो ही थी। ये अच्छी तो लग रही है इन्हें तो। कहाँ हो ये वाला आज? शादी से पहले आज जल्दी आए। क्या दिखाने बच्चे? कितने बजे बंद होती है? क्या ले बताओ? कितने लग रही है? ये बेकार लग रही है, उसके बगल वाली भैया छोटी बच्चों का दिखाना है। एक साल का फिर छोटा नाम दो मुझे रोबर। एक साल की दिखाइए, छोटा ना हो। ये ब्रेसलेट है क्या? ये अच्छा लग रहा, चांदी का पहनो। तुम्हारे लिए रोना है, हमको पता है कि वो क्या है, पहनने लायक तो वैसे कुछ नहीं आजकल के जमाने में की नहीं चांदी तो नहीं। वो वाला दिखाओ, वो वाला ये वैसे अच्छा लग रहा है, मतलब जो सलमान खान देखो जो पहनता है वो ऐसे पहनता है। चार जीर, अरे वो भी चार चार आठ सौ का, वो चार सौ चार सौ। मुझे लग रहा है ये छोटी तो नहीं है, ये थोड़ा बड़ी ले। ये 3600, 3600 का है। अच्छा 4 ग्राम, अच्छा 4 ग्राम, हाँ क्या बेटा, क्या दीदी कहाँ है? मोबाइल ले ली दीदी, तुम ले लिए क्या ब्रेसलेट? हम ना लेंगे, हम पहनते कहाँ? वही तो हम बोल रहे हैं। और चलो घुंघरू लगा जी, मैं उसको भारी रहेगा। ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बड़ी है। हम सोचे थे भैया नहीं पहचान पाएंगे। तुम बाल कटिंग को करवा दो, नहीं बहुत मतलब बीच बीच में आते रहो, समझ में तो बहुत सारे के बाल आए हैं। किसको अंधेरे में पहचान लेते हैं? दीदी इसमें किया है, है। दिखाई दिखाई रखी, ये तो बड़ी है। हाँ एक और थी ना, बस यही है जो हमको दिखाई थी पहले, वही वाली है ना, ये वही वाली है। बच्चों में और अच्छा नहीं, बच्चों में यही मिलता है। क्या चाहिए तुमका? क्या लोगे? वो ब्रेसलेट नहीं लेगा, उसको कुछ ना कुछ देना। ए बाबू बाबू बाबू, क्या लेने आया बाबू? बाबू दिखाओ, मम्मा मम्मा, ए बाबू बाबू बाबू, क्या लिए हो? क्या लिए हो? पापा के साथ आए थे, आ लिए हो? ये क्या किया, राल निकाल के तुमको लगा रहा? प्रीति नाम से कर दीजिए तुम्हारा जितन। लाइए भैया बारकोड दे दीजिए, कितना देना है आपको? हाँ मिले ना तो सोने दे दिया। चले चले, वो सोच रहा कुछ खाने को नहीं मिला इतनी देर से बैठे हैं। हाँ बाबू खाने नहीं आए, लेने आए हैं लेने। चलो तो अभी हमने जो हमें लेना था वो ले ली, अब हम आए हैं थोड़ा सा थ्रेडिंग करवाएंगे, क्योंकि बाकी जल्दी मैं थ्रेडिंग करवाती नहीं, लेकिन सोच रही हूँ करवा लूँ। और ये मेरा मैका साइड है, बहुत दिन के बाद आए हैं। कहाँ है सैलून? किधर से पूछ ले, इधर आइए, इधर इधर दिख जाएगा। तो अभी हमने सोचा थोड़ी सी थ्रेडिंग करवा ली, यही है क्या सैलून? हाँ यही है पार्लर, एक ये है
एक ये है, एक और है, देखते दो पार्लर है, ब्यूटी पार्लर चलते हैं यहीं पे। तो ये हमारा पार्लर ट्रेनिंग करवाते हैं, आइए बेटा नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने ना मेरी थ्रेडिंग ख़राब कर दी। अब मैं, मेरी क्या आदत है ना, मैं जल्दी कुछ बोल नहीं पाती हूँ, मैं यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं। बुरा तो लग रहा था उनसे जब मैंने बोला, तो उन्होंने कहा आपका ग्रोथ ही नहीं, लेकिन अब देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि उन्होंने कट लगा दिया, यहाँ से ऐसे कट कर दिए, उड़ा दी। और जब मैं बोली, क्योंकि मेरा फर्स्ट बार है, मैं इधर साइड बनवाती थी, ये मेरा मायका साइड है, अब जहाँ ससुराल है वहीं बनवाती हूँ, तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे हो गई, और ये ऐसे जैसे होता है ना ऐसे गई हुई है इस साइड वाली। तो मेरी जो थ्रेडिंग है, आप लोग बताइएगा कैसी बनी है, इतनी बेकार लग रही है मुझे यार, सच बताऊँ बहुत गंदी कर दी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी है, इतनी ख़राब लग रही है। अब मैं मेरे हस्बैंड से पूछती हूँ तो मुझे वही बताएंगे। और मेरा मन नहीं कर रहा था, जहाँ ना जानूँ ना वहाँ पर मन नहीं करता, इसकी यही मेन रीज़न है कि मैं कहीं थ्रेडिंग नहीं बनवा सकती, ठीक से बना लेती हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरी थ्रेडिंग ख़राब कर दी है। देखो देखो तुम बताओ, नहीं यार ये यहाँ पे ना ऐसा करके, यहाँ पे ना ऐसे करके ऐसे बना दिए, और ये वाली जो ना ऐसे गई है, ध्यान से देखो, अजीब नहीं लग रही है, उधर वाला थोड़ा संदर कर दी है, ये ऐसे ऐसे लकीर में है, ऐसे नहीं, नहीं बनाई सही थी ये देखो, हाँ, ये हाँ। ऐसे लकीर में है, और ये यहाँ से ऐसे ग्रोथ ऐसे देखी गई है, ये वाला ज्यादा काट दी है, हाँ, बस ऐसे कटिंग कर दी है, हाँ। और एक ऐसे है, अरे उतना चल जाए, उतना आदमी, मुझे लग रहा मुझे इतना ऐसे कर, हाँ, हल्का से कर लेना इसको भी, जब ये ऐसे थे तो इसको भी हल्के से कर देना तुम। सो गाइस फाइनली एक घंटे हो गए, और अब मैं बैठ गई हूँ एंड करने के लिए, शुरुआत तो नहीं कर पाई थी, बट एंड मैं सोच रही हूँ फ्रंट कैमरे से कर दूँ। और अब सभी ने देखा कि जैसे तैसे करके मैंने ब्लॉग शूट कर लिया और शेयर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पीहू का बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे, और पहली बार मैं उससे मिलूंगी, तो कुछ स्पेशल बनते ही बनता, जैसे मैंने इससे पहले ब्लॉग में बोला था कि भाई बिटिया रानी हमारी, तो उसके लिए कुछ स्पेशल बनता है, तो जो स्पेशल था वो हम ले आए हैं, और जो मैंने सोचा था वो मना हो गया, इन्होंने साफ मना कर दिया, इन्होंने कुछ और लिया अपनी पसंद से, तो मुझे लगा चलो ये जो सोचेंगे अच्छा सोचते हैं, बेस्ट सोचते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, इनकी सोच भी अच्छी होती है, तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी, वो जब प्रिया दी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करेंगी तो फिर आप लोग देख लीजिएगा। जिनसे हम बात करते हैं कभी मिले नहीं हैं कुछ, वो हैं, और प्रीति तो हमारे साथ ही जाएंगी, जो हमारे दिल के, वो भी बहुत करीब हैं, जैसे प्रिया दी हैं, तो बस खुशी का ठिकाना नहीं है। और जब भी हम लखनऊ जाते हैं बस प्रिया दी से ही मिलने जाते हैं, जैसे अभी गए थे प्रिया दी से मिलने, मतलब एक हो जाता है ना, जब पहली बार हम गए थे तो बाबू का 5वां बर्थडे था प्रिया दी के बेटे का, तब हम गए थे मिलने, और ये सेकेंड बार पीहू का फर्स्ट बर्थडे है तब हम जा रहे, तो इसी में देखो इंसान इंजॉय भी कर लेता है, मिल भी लेता है, और ये यही मोमेंट होता है जो इंसान को याद रहता है। के लिए निकले और जल्दी आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करें, तो मिलते हैं इस खुशी के साथ प्रिया दी के साथ, तब तक के लिए बाय।